Rameshwara Shiva Rameshwara Har Har Bhole Namah Shiva. वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग अभी जा रहे हैं रामेश्वरम। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन भी दबाओ। तो आज का हम लोग का रामेश्वरम का दर्शन होगा। और अभी हम लोग जो पहुँचे हैं, दिस इज़ अ फेमस पंबन ब्रिज। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये ब्रिज का ऐसा है कि ये ब्रिज बनाया था ब्रिटिशर्स ने जो 1914 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और दिस इज़ अ वन ऑफ द फेमस ब्रिज अक्रॉस द ग्लोब। अभी मॉर्निंग 4:30 बज गए हैं और हम लोग अभी मंदिर कल रात को पहुंच गए थे रामेश्वरम। अभी मॉर्निंग में सुबह का इधर का सबसे मेन आरती होता है वो स्फटिक दर्शन का। तो हम लोग वो लेने के लिए यूजुअली आपको 4:45 तक अंदर मंदिर के अंदर एंट्री करना पड़ता है। और आपको नहाने की ज़रूरत नहीं रहता है क्योंकि वहाँ अंदर कुंड है, वहाँ से आप नहा सकते हैं, जिसमें 25 रुपीज़ का टिकट होता है। तो हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। मैंने थोड़ा फ्रेश हो गया और ये मेरा होटल रूम था। यहाँ से आपको मंदिर का व्यू दिखाई देता है, ये मंदिर का एंट्री है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और पॉसिबल रहेगा तो आपको अंदर का भी वीडियोस दिखा देता हूँ। मुझे पता नहीं इधर कितना मोबाइल और फोन अलाउड है, लेट्स सी। ऐसा माना जाता है जब श्री राम जी ने लंका जाकर रावण का वध किया था, उसके बाद उनसे अच्छी देखा जाएगा तो राम जी थे क्षत्रिय और रावण थे ब्राह्मण, तो उनसे ब्रह्म हत्या हुआ था। तो जैसे ही वो वापस आए थे, ये तीर्थ में वापस आए थे, उन्हें अगस्त्य मुनि ने यह बताया गया था आपसे हो गया ब्रह्म हत्या, तो आपको शिवलिंग का पूजा करना पड़ेगा। तो याद नहीं थे शिवलिंग, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि एक काम करो, कैलाश जाके शिवलिंग लेकर आओ। तो जब ही हनुमान कैलाश में गए थे तो उनको ज़्यादा टाइम लग गया था, तो सीता माँ ने यहाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाया था, जिस क्योंकि उनको पूजा में लेट हो रहा था, तो मिट्टी से जो शिवलिंग बनाया था वो इधर स्थापना किया, क्योंकि जब ही हनुमान जी वापस आए थे तब तक पूजा सब हो चुका था। तो हनुमान जी थोड़ा नाराज़ हो गए थे क्योंकि उनको थोड़ा दुख हो गया क्योंकि उनको आने में थोड़ा लेट हो गया। तो राम ने ऐसा उनको ये दिया कि जो भी मेरा दर्शन लेने आएगा, मेरा जो शिवलिंग है उसका दर्शन लेने आएगा, उससे पहला तुमने जो कैलाश से लेके आया उसका दर्शन लेके मेरा दर्शन होता। तो सुबह हम जब भी गए थे, पहला हमारा स्फटिक दर्शन हुआ, जो स्फटिक लिंग है जो आदि शंकराचार्य गुरु ने लेके आया था जिन नेपाल से, उसका आपका दर्शन होता है। उसके बाद आपको जो हनुमान ने जो लेके आया था शिवलिंग, उसका दर्शन होता है। उसके बाद आपको ये जो नदी है, समुद्र है, ये समुद्र में आके आपको नहाना पड़ता है।
इसको अग्नि तीर्थ समुद्र बोलते हैं। इस इधर नाग के होने के बाद आपको मंदिर के अंदर प्रवेश होता है और उसके अंदर भी 22 कुंड है जो हनुमान जी राम जी ने जो अपने बाण चलाकर 22 कुंड बनाए थे, जिसमें गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, नील ऐसा बहुत सारे 22 तीर्थ है जिसमें आपको नाना पड़ता है। और सबसे लास्ट आपको रामेश्वर मूर्ति है जो रामनाथ मूर्ति कहा जाता है, उसका आपका दर्शन होता है। तो हम लोग का इधर स्नान हो गया, हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। राम सेतु और धनुषकोड़ी, तो यहाँ से कुछ करीब 20 किलोमीटर है, बट हम लोग रिक्शा ले रहे हैं क्योंकि आज गाड़ी नहीं चलाना है। का मंदिर है, ये वो जगह है जिधर भगवान राम ने विभीषण का राजाभिषेक किया था, जब रावण से लड़ने से पहले विभीषण इधर आया था और सरेंडर हुआ था अपने आप को राम के प्रति, और फिर राम ने इधर उनका राजाभिषेक किया था, उसके बाद रावण से लड़ने गया था, फिर उनके सेकंड बार राजाभिषेक लंका में हुआ था। अभी अपन किधर जा रहे हैं ना, धनुषकोड़ी, वहाँ से राम सेतु, राम सेतु के इधर पहुंच गए। मेरा जो राइट साइड है इधर, ये बे ऑफ बंगाल है और इस पर जो है वो इंडियन ओशन है, और इधर दोनों मिलता है। राम सेतु सीधा इधर है, मैं आगे आगे राम सेतु के और जा रहा हूँ। पत्थर के नीचे देखो, थोड़ा दूर में दिख रहा है सामने पानी, ये पानी दो समुद्र मिल रहा है, पीछे मिट्टी दिख रहा है और एक पानी चल रहा है और एकदम पीछे काला पत्थर दिख रहा है, वही इंडिया श्रीलंका बॉर्डर, इंटरनेशनल का बॉर्डर है। यहाँ से 8 किलोमीटर है, यहाँ से श्रीलंका 18 किलोमीटर, ठीक है, वेट आई अभी। ये राम सेतु का जगह है जिधर से भगवान राम पत्थर पे पत्थर रख के श्रीलंका गया था। अभी क्या है, आपको यहाँ से डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है क्योंकि ओशन थोड़ा बाहर आ गया है,
राइट लेकिन यहाँ टेलीस्कोप रखा है जिसमें से आपको देखे आपको पत्थर दिखाई देता है। अब ये अकॉर्डिंग टू रामायण दो मेन इंजीनियर अगर अपने इंडियन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग माना जाता है जो नल और नील है जो सुग्रीव के इसमें थे तो उन्होंने पत्थर पे पत्थर रख के एक आइडिया जनरेट किया था जिसके थ्रू ब्रिज बनाया गया था। अगर अपने सिविलाइजेशन के सबसे पहला जो ब्रिज था वो राम सेतु ब्रिज था जो अभी भी एग्जिस्टिंग है। नासा ने बीच में वीडियो भी निकाला था वो मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ उसमें आपको राम सेतु का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हम लोग राम सेतु से निकले अभी नेक्स्ट स्टॉप में जा रहे हैं लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है जैसे ही आप राम सेतु में पहुँचते आपको श्रीलंका का रेंज पकड़ने लगता है। एक मैसेज दिखा दो जा रहे राम कुंड जिधर भगवान जी राम स्नान करते थे। तो और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे पत्थर है नल और नीर जो ब्रिज बनाने में यूज़ किया था राम सेतु बनाने को वो भी इधर अवेलेबल है उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। क्या बताओ ना मुझे पत्थर का कैसा है वो पानी में डालते तैरता है बताओ। राम सेतु का पत्थर है एक छोटा एक्सपेरिमेंट दिखा दो आप थोड़ा नजदीक मैं ये पानी में डालता हूँ आप देख सकते हैं ऊपर तैर रहा है और ये नॉर्मल स्टोन है सी शोर जो मिलता है वो डूब गया। तो ये जो बेसिक आइडिया था नल और नीर ने लगाया था आज से 10,000 साल पहले कि ये स्टोन सबसे ऊपर रहेगा बाकी जो डूबता है स्टोन सबसे नीचे लेयर में बिछाया गया था और जो तैरता है स्टोन उसके ऊपर के लेयर में बिछाया गया था और वैसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया था। दिस इज अ फेमस पंबन ब्रिज एंड दिस इज द एंड टू द एपिसोड ऑफ रामेश्वरम। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र पहला जाएगा परली बैद्यनाथ उस यहाँ से कुछ करीब 1700 किलोमीटर है। तो आज का स्टे बैंगलोर में होगा उसके बाद नेक्स्ट डे लेट्स सी किधर होगा बट आई विल सी यू बैक इन परली बैद्यनाथ।